जय हिंद साथियों, राम राम। मैं हूं अभिनव सिंह, डिफेंस कोचिंग पटना। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हो, इंडियन आर्मी की रैली भर्ती ऑल ओवर इंडिया की स्टार्ट हो चुकी है। लग रहा है ऐसा जैसा त्योहार आ गया है। साथियों, जो बंदे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो जोशीले जवान इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भर्ती उनकी आनी बाकी है। और साथियों, मैं बता दूं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ बंदों का सवाल था कि सर, मैं जूता पहन के दौड़ूं या खाली पैर दौड़ूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं उन बंदों को बताना चाहता हूं जिनके दिमाग में डाउट है कि वो खाली पैर दौड़े या जूता पहन के दौड़े। तो मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले ग्राउंड में जब भी प्रैक्टिस करो तो आप जूता पहन के प्रैक्टिस करो। ये जरूरी है, क्योंकि जब आप जूता पहन के प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। और यदि आप खाली पैर दौड़ोगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो जब आप जूता पहन के दौड़ोगे और जब जूता खोलोगे तो टाइम और घट जाएगा आपका, यानी 5 से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड घट जाएगा, और आपको दौड़ने में बहुत मदद करेगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप भर्ती में दौड़ना चाहते हो, इंडियन आर्मी की रैली में दौड़ना चाहते हो, तो कभी भी किसी भी भर्ती में जाओ तो आप जूता पहन के कभी मत दौड़ो, क्योंकि हो सके भर्ती ग्राउंड में पानी पड़ गया हो। पानी यदि पड़ जाए भर्ती ग्राउंड में और आप जूता पहन के दौड़ने गए हो तो वहां पे क्या होगा कि आप दौड़ में छट जाओगे, और खाली पैर दौड़ने की आपकी आदत रहेगी तो आप वहां पे अच्छे तरीके से दौड़ पाओगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भर्ती आए, जैसे कि इंडियन आर्मी की रैली भर्ती 1 महीने बाद है, तो आप 1 महीने पहले जूता को छोड़ दो, फिर खाली पैर दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है। और अपने टाइम को बनाओ और फिर जाके खाली पैर ही इंडियन आर्मी की रैली में दौड़ लगाओ, ये आपके लिए बेटर होगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जूता पहनने से और भी बहुत नुकसान है। आप यदि भर्ती में जाते हो और उसकी लेस खुल जाती है दौड़ते टाइम, तो बहुत सारे लड़कों का झुंड होता है, 250-300 लड़के होते हैं, वो आपके पैर पे चढ़ जाएंगे, लेस पे चढ़ जाएंगे और आप गिर जाओगे, यानी कि 1 साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी, 1 साल का सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी भर्ती में जूता पहन के मत दौड़ो और प्रैक्टिस करो। तो जूता पहन के कर सकते हो, लेकिन भर्ती के 1 महीने पहले आपको खाली पैर दौड़ना होगा। और जो बिगिनर्स हैं, जो नया नया दौड़ को शुरू किए हैं, वो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखे कि कभी भी आप तुरंत जूते पहन के रोड पे मत दौड़ना शुरू करो, नहीं तो आपके पैर बर्बाद हो जाएंगे, यानी बहुत दर्द होगा, शीन पेन हो सकता है, घुटनों में दर्द होगा, और वो दर्द बहुत देर के बाद ठीक होगा क्योंकि आप बिल्कुल नए रनर हो। तो आपको सबसे पहले ग्राउंड में जूते पहन के धीरे धीरे दौड़ के आदत लगाओ, तो आपके पैर को जूते की आदत हो जाएगी, तब आप अच्छे तरीके से रनिंग कर पाओगे रोड पे भी। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप भर्ती की तैयारी में पूरा जिद और जान झोंक दो, क्योंकि इंडियन आर्मी की रैली 1 साल में 1 बार होती है, और आप फिर 1 साल पीछे हो जाओगे, यानी कि 1 साल तक आप कोई भर्ती नहीं देख पाओगे। इसलिए साथियों, आप जी तोड़ मेहनत करो, हमारा बेस्ट विशेष आपके साथ है। कोई भी डाउट हो, मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। साथियों, जय हिंद। आप अच्छे से तैयारी करें और हमारे डिफेंस कोचिंग परिवार से जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथियों, कोई सवाल हो जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।